वेलकम टू फैमिली कुकिंग कॉर्नर। आज हम आपको घर पर बहुत ही आसान तरीके से एक ऐसी रेसिपी बनाने की सिखाने वाले हैं जो आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, और वो रेसिपी है वेज दम बिरयानी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान तरीके से घर पर बन जाती है। तो चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप चावल लेंगे, और इसे लेने के बाद हम इसे एक बड़े से बर्तन में लेकर इसे दो से तीन बार अच्छी तरीके से धो लेंगे। अच्छी तरीके से धो लेने के बाद हम इसमें तीन ग्लास जितना पानी डालकर इसे भिगोने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे, और आधे घंटे के बाद हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम चार कप जितना पानी डालकर इसे उबालेंगे। एक बार पानी थोड़ा उबल जाए इसके बाद ही हमें इसमें चावल डालने हैं, ठंडे पानी में हमें चावल नहीं डालने हैं। अब हम पानी में एक तेज पत्ता डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें एक टुकड़ा दालचीनी डालेंगे, इसके बाद दो से तीन लौंग डालेंगे, और हम इसमें दो इलायची डालेंगे, और इलायची का मुंह थोड़ा खोल कर डालेंगे जिससे कि इसकी खुशबू अच्छी तरीके से चावल में आ जाए। इस तरह से थोड़ा मुंह खोल कर डालना है। अब इसके बाद हम इसमें एक टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे, और अब हमने जो चावल भिगो के रखे थे वो चावल हम इसमें डाल देंगे, और हमें ये पानी निकाल कर चावल डालने हैं। चावल को पानी में डालने के बाद हमें इसे पकाने के लिए रखना है, और हमें इसे 70-80% तक पकाना है, पूरी तरह से हमें इसे नहीं पकाना है। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, और नमक हम इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये पानी में निकल जाएगा। अच्छी तरह से एक बार इसे मिक्स कर देंगे। चावल पके तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें एक गाजर के बड़े बड़े टुकड़े कर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें एक आलू के बड़े बड़े टुकड़े कर डालेंगे, और साथ ही में हम इसमें 2 टेबलस्पून जितने टुकड़े डालेंगे। अब 1/4 कप फ्रेश मटर डालेंगे, और इसके बाद 2 हरी मिर्च के लंबे लंबे पीस कर डालेंगे। सब्जी आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, इसके बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और बाद में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, और इसके बाद थोड़े पुदीने के पत्ते डालेंगे, 1/2 कप तेज दही डालेंगे, और इसमें पानी का हिस्सा जरा भी नहीं होना चाहिए। अब लहसुन की पेस्ट डालेंगे, और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हमें इसे आधा घंटा मैरिनेट करने के लिए रखना है। अब हमारे चावल 80% तक पक गए हैं। हम इसे एक छलनी में निकाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। चावल ठंडे हो तब तक हम एक दूसरी तैयारी करेंगे, और इसके लिए एक पैन में हम 3 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम करेंगे, और इसमें हम 1 कप प्याज लंबी लंबी काट कर इसमें डाल देंगे, और इसे हम डार्क ब्राउन हो तब तक सौते करेंगे क्योंकि हमें इसका बिरस्ता बनाना है, और बिरयानी बिरस्ते के बिना अधूरी होती है। हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे चलाते रहना है ताकि ये चिपक ना जाए। देखिए हमारा बिरस्ता तैयार है। हम इसे भी एक छलनी में निकाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इसका जो ऑयल बचता है उसी का हम आगे इस्तेमाल करेंगे। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लेंगे, और इसमें 1 दालचीनी डालेंगे, इसके बाद हम इसमें 2 से 3 लौंग डालेंगे,
और लौंग डालने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हमने जो सब्जियां मैरिनेट होने के लिए रखी थी वो सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। और सब्जियां डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बिरयानी बनाने के लिए हमें मोटे तलिए वाला पैन लेना है। अगर ऐसा ना हो तो नीचे तवा रख कर इसके ऊपर पैन रख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें 1 कप जितना पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। दो से तीन मिनट के बाद हमने जो प्याज का बिरस्ता बनाया था उसमें से आधा हम इसमें डाल देंगे और फिर से इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे हमें 80% तक पकाना है। सब्जियां भी हमें पूरी तरह से नहीं पकानी है। हमारी सब्जी 80% तक पक गई है। हम इसमें से आधी सब्जी एक बाउल में निकाल देंगे और अब हमने जो चावल बना के रखे थे उसमें से आधे चावल का 1 लेयर हम सब्जी के ऊपर कर देंगे। इस तरह से हमें चावल का 1 लेयर सब्जी के ऊपर करना है। चावल का लेयर होने के बाद हमने जो बिरस्ता बनाया था उसका भी हम 1 लेयर उसके ऊपर करेंगे और इसके बाद थोड़े पुदीने के पत्ते डालेंगे। अब इसके ऊपर जो प्याज का तेल बचा था वो 2 टेबलस्पून जितना डाल देंगे और इसके ऊपर फिर से 1 लेयर सब्जी का करेंगे। सब्जी का लेयर करने के बाद फिर से हम दूसरा लेयर चावल का करेंगे जो हमने बाकी रखे थे। चावल का दूसरा लेयर करने के बाद फिर से हमें बिरस्ता उसके ऊपर डाल देना है और इसके बाद फिर से हमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डालने हैं और फिर से जो प्याज का तेल बचा था वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसका ढक्कन ढककर इसे गूंदे हुए आटे से ढक्कन चारों तरफ से सील कर देंगे और हमें बिरयानी को दम देने के लिए 15 मिनट तक पकाना है। 15 मिनट के बाद हम इसके सील को खोल देंगे और ढक्कन खोलकर बिरयानी चेक करेंगे। देखिए हमारी बिरयानी अच्छी तरीके से पक गई है और इसका लेयर भी कितना अच्छी तरीके से हुआ है वो आप देख सकते हैं। देखिए और हम इसे एक बाउल में निकाल कर उसे फिर से बिरस्ते और फुदीने के पत्ते से गार्निश कर दही के रायते के साथ सर्व करेंगे। ऐसे ही नई नई रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए।